गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। जैसा कि तुम जानते हो कि पिछला वीडियो मैंने आपके इंग्लिश प्रोज चैप्टर 1 से पैराग्राफ वाइज भेजा था। आज पांचवा पैराग्राफ मैं भेज रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। लेसन का नाम है गर्ल विथ ए बास्केट, जिसके राइटर हैं WC डगलास या विलियम सी डगलास। तो पैराग्राफ 5 में वे क्या कह रहे हैं, आई बट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। जब वे रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं तो वहां पर जो शरणार्थी लोगों के जो बच्चे थे, तो विभिन्न प्रकार के जो है टोकरियां बनाए हुए थे, पंखे बनाए हुए थे और भी कुछ वस्तुएं लिए थे और उसको घूम घूम करके बेच रहे थे। अब लेखक भी वही खड़ा है रेलवे स्टेशन पर और देख रहा है। तो ये कह रहा है आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आना में कुछ पैसे में। फार मतलब में होता है, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है यहां पर, फार का अर्थ में होगा, कुछ पैसे में कुछ आना में। आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैं एक छोटी सी टोकरी खरीदा। इसके अलावा क्या खरीदा है, पूरा एक सेंटेंस मिलेगा, बड़ा सेंटेंस है, कामा लगा करके किया है। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी। अनदर फ्रूट बास्केट, एक फल वाली टोकरी, एक दूसरी फल वाली टोकरी। फॉर ए बिट मोर, थोड़ा अधिक आने में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर एक रुपए में, एक सुंदर सी टोकरी बेकार कागज के रखने वाली। तथा ए लवली सीविंग बास्केट, एक सुंदर सी सिलाई मशीन की टोकरी फॉर ए रुपी एक रुपए में। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे फॉर एक आना में, कुछ पंखे। आर टू ए पीस, मैंने कुछ पंखे या एक दो पीस पंखे कुछ आने में मैंने खरीदा। ये पूरा सेंटेंस पीस तक समाप्त है। इसमें क्या क्या चीजें लेखक ने खरीदा है, कितने आने में खरीदा है, ये पूरा आपको इसमें मिलेगा। फिर से देख लीजिए, आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर एंड फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आना में कुछ पैसे में। मैंने एक छोटी सी टोकरी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, अब थोड़ा अधिक में एक मैं दूसरी फल रखने वाली टोकरी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी एक रुपए में, रद्दी कागज रखने वाली सुंदर सी टोकरी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी एक रुपए में, एक सुंदर सी सिलाई मशीन रखने वाली टोकरी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, एक या दो पीस पंखे कुछ आने में मैंने खरीदा। माय आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी भुजाएं भरी हुई थी, मेरी बाहें भरी हुई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 पैसे सेंट, और मैंने 50 सिक्के से अधिक खर्च भी नहीं किया था, 50 सिक्के से कम ही खर्च किया था, और मेरी बाहें भर गई थी। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे जो है इधर उधर जा रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, और अपने सामानों को, वेयर्स मैंने सामान्य वस्तु होती है, वस्तुओं को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, मैं तो एक कैदी बना हुआ था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, चलने लायक नहीं था, वहां से हटने लायक नहीं था, मतलब मैं उन बच्चों से पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका था। द मोस्ट डिलाइजेंट एग्रेसिव वेंडर, एक अति परिश्रमी और जोर जोर से चिल्लाकर बेचने वाली। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी बालिका। ऑफ नाइन राइट इन फ्रंट ऑफ मी,
9 साल की बालिका मेरे सामने खड़ी थी। एग्रेसिव मने होता है आक्रामक, वेंडर मने होता है विक्रेता होता है, डिलाइजेंट में परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, मोस्ट डिलाइजेंट अति परिश्रमी, एग्रेसिव आक्रामक वेंडर मने चिल्ला चिल्ला कर बेचने वाली। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने 9 साल की सुंदर सी बालिका खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास सुंदर सी टोकरी थी, विथ हैंडल वाली मुठिया वाली उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रुपी, वह उसका कीमत 1 रुपये चाहती थी। एंड ए हाफ फॉर इट, और आधा मतलब 1.5 रुपये उसकी कीमत चाहती थी। अबाउट 30 सेंट्स करे करे, अथवा मतलब इसका मतलब 30 सेंट 30 सिक्के 1.5 रुपये अथवा 30 सिक्के वह चाहती थी इसकी कीमत। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह ईमानदारी से धन कमाने वाली प्रशंसा करने वाली थी, ईमानदारी से धन ईमानदारी से अपने सामानों को बेचने वाली, अपने सामान की प्रशंसा करने वाली वो बालिका थी। सी वाज अर्नेस्ट प्लीडर, मतलब वह ईमानदारी से धन कमाने की पक्षधर थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, वह आग्रह की। एंड बेग्ड इन टोन्स, ऐसे स्वर में बोली, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जिससे हर एक कोई का दिल पिघल जाएगा, माने हर कोई के हृदय को द्रवित करने वाले स्वर में वह बोली और वह आग्रह की। तो इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर विलियम सी डगलास जो है उन शरारती बच्चों के सामने खड़े हैं, उनको देखते हैं और कुछ टोकरियां भी खरीद लेते हैं, और छोटी सी जो 9 वर्ष की बालिका है उसके सामने भी खड़े हैं और उसकी भी कंडीशन को देखते हैं और सुन करके ये पैराग्राफ उन्होंने लिखा है। अब जो है इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट पैराग्राफ 6वां और बचा है, जिसको मैं कल वीडियो के माध्यम से सेंड करूंगा। कल पैराग्राफ वाइज जो भाव है इसका अर्थ है कल जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से इसमें एक आध एक्सप्लेन बताएंगे, इसके बाद में क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताए जाएंगे। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख करके नोट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसको रन कीजिएगा। तो इस पैराग्राफ में यही था। अब जो है और जो भी चीजें आपको समझ में वीडियो के माध्यम से न आती हो, एक बार दो बार तीन बार उसको देखिए, समय तो देना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं, तो उसको फिर से बता दिया जाएगा, ऐसी बात कोई नहीं है। तो इस पैराग्राफ में यही था। एक बार और आप देख लीजिए, मैं बताता हूं, माई आर्म्स वेयर फिल्ड, यहां से बता रहे हैं, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, अब मैंने 25 सिक्के से ज्यादा खर्च भी नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन सॉर्टिंग देयर वेयर्स, बच्चे जो है गुजर रहे थे, जा रहे थे, सॉर्टिंग चिल्ला रहे थे देयर वेयर्स, अपने सामानों को बेचने के लिए, क्रय करने के लिए। I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. मैं तो पूरी तरह से इन बच्चों से चारों तरफ से घिर चुका था, कैद हो गया था, चलने लायक नहीं था, वहां से हटने लायक नहीं था। The most diligent, aggressive vendor, एक अति परिश्रमी आक्रामक बेचने वाली, was a beautiful girl of 9 right in front of me, 9 साल की बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle, मुठिया वाली उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स वह उसकी कीमत जो है 1.5 रुपये अथवा करीब करीब 30 सिक्के चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह
ईमानदारी से धन कमाने की पक्षधर थी। There were tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। She pleaded and begged in tones, वह आग्रह की और ऐसे स्वर में बोली that would ring any heart, जो स्वर किसी के हृदय को द्रवित कर देगा, किसी के हृदय को पिघला देगा। इस तरह से इस पैराग्राफ के माध्यम से विलियम सी डगलास ने अपनी बात को प्रकट किया है। अब जो है एक पैराग्राफ और बचा हुआ है लास्ट, उसको मैं कल वीडियो के माध्यम से सेंड करूंगा। आज बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।